क्या हो गया? कहाँ गिर गए? कहाँ चोट लगा है? पाँव में। ये कैसे हुआ ये तो? अरे कुछ नहीं हुआ है, मामूली सी चोट है, बस फिसल गया था मैं। वैसे तुम कहाँ थी? ओ वाह। लगा लगा रुपा, ये बुरी बला तो टल ही नहीं रही। कल इतना बड़ा हादसा हो गया और आज ये होना था। लगता है दीदी मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। अरे क्या दासी, अब छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही? ठीक ही तो बोल रहे हैं, ज्यादा लग जाता तो आपको ध्यान न रखना चाहिए। अरे ध्यान किसी एक जगह रहे तो ध्यान से चले ना, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ये कौन है जो इनके साथ आरती कर रही है? देखा दीदी, पत्नी ने कहा तो झट से मान गया। इसका ख्याल तो ना इसकी पत्नी रख सकती है। पत्नी ही तो होती है जो पति की सलामती का हर काम करती है। पत्नी अगर ढाल बनकर खड़ी हो जाए ना तो कोई भी मुसीबत घर की चौखट तक नहीं लांग सकती। पत्नी, इनकी पत्नी? इसीलिए तो पत्नी को अर्धांगनी, जीवन संगनी कहते हैं, जिसका कुमकुम भाग्य पति के साथ जुड़ा होता है। और जब पत्नी पति के साथ होती है ना तो उसका भाग्य सौभाग्य बन जाता है। तभी तो सुहागनों को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हैं, तू ही पत्नी तू ही ढाल, तेरे होते अभी को कुछ हो जाए किसी की क्या मजा। चलो बेटा आरती करके अभी की नजर उतार लो। इन्होंने शादी कर ली? नहीं, शादी कैसे? मतलब इनकी पत्नी तो मैं, इन्होंने मुझे ऐसे क्या देख रही हो? बिल्कुल सही कह रही है दादी, मेरी लाइफ में आकर तुम मेरी लाइफलाइन बन गई। सच बताओ तो तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। कभी कभी सोचता अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच, तुमने
मेरे परिवार को इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, हर बार तुमने उन्हें मुसीबत से बचा, बस इसी तरह हमेशा के लिए हमारे साथ रहना, क्योंकि तुम्हारे बिना ना ये घर और मैं किसी का कोई वजूद नहीं। तुमने मेरे परिवार को जितना प्यार दिया है, जितनी इज्जत दी ना, उसके बदले में मैं जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूं। बहुत दर्द हो रहा, तू ठीक है बेटा? अभी तो एकदम फिट और फाइन हूँ, लेकिन अगर ये पूजा थोड़ी देर और चलती ना तो मैं तो बेहोश ही हो जाता। क्या है ना बेटा, ये तो शुरुआत है पूजा की, आगे आगे देख क्या होता है। अभी तो मैंने एक और पूजा रखवाई है। क्या एक और पूजा करना बाकी है? हो गई ना पूजा, पूजा के नाम पे क्या यज्ञ करोगे? बस ना दादी, हो गई, अब कोई पूजा नहीं करनी मुझे। देख बेटा, ये पूजा मैं इसलिए करवा रही हूँ कि दोबारा बार बार हमें पूजा ना करनी पड़े, और ये पूजा जो है ना घर की शांति के लिए मंदिर में करवा रही हूँ ये पूजा। हाँ बीजी, ये पूजा तो होनी चाहिए, मुसीबत आती है तो फिर सब पर ही आती है, इसलिए घर की शांति के लिए पूजा बहुत जरूरी है। अरे ताऊ जी, अब तो सब ठीक चल रहे ना, तो अब पूजा की क्या जरूरत है? दादी, आप आशीर्वाद तो दे ही दिए हैं, अभी पूजा पाठ का काज है। करेक्ट। ओए, इसके साथ मिलके ना तू भी नास्तिक हो गई है, नास्तिक। नहीं तो है, तुझे हमारा साथ देना चाहिए, तो तू इसका साथ दे रही है। भूल गई पिछली बार जब पूजा हुई थी तूने ही अभी को मनाया था पूजा के लिए, और आज तू इसका साथ दे रही है हमें छोड़ के। दासी, क्या? जब तूने पूर्व की शादी करवाई थी मैंने मना किया? नहीं। जब तूने अपनी शादी दोबारा की हमारे सामने मैंने मना किया? नहीं। तो फिर अब मैं अच्छे काम के लिए कुछ करने जा रही हूँ, अब मना क्यों करवा रहा है? एक और अच्छा काम। और ये जो शांति पूजा है ना, मैं अपने लिए नहीं करवा रही, सबके लिए, घर की शांति के लिए। दादी वो सब ठीक है, लेकिन 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 कुछ नहीं, मैं कुछ भी भले के लिए सोचती हूँ ना तो तू हमेशा मुझे टाल देता है। मुझे लगता है ये आने वाली जो मुसीबतें हैं ना, यही कुछ अच्छा होने नहीं देती। मैं कितने दिन और हूँ? जब तक मैं हूँ तो मेरी बात। बस 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 दादी, बस, आप तो किसी और ही ट्रैक पर जा रही हैं। इससे अच्छा ना वो मंदिर वाला ट्रैक ही था। ठीक है, क्या चाहती है? कि मैं पूजा करूँ, आरती करूँ? कर लूंगा, उसमें क्या है? नहीं चल इंदु जी, पूजा की तैयारी शुरू करो ना। हाँ हाँ दीदी, पंडित जी को भी बहुत सारे काम बोलना है मुझे। ठीक है मिताली, चल। अजय राज, आ जाओ जल्दी 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 जल्दी, चल दो। बाय बाय बाय। ओ बाबा, मैं भी जा रही हूँ। ऐसे जा रही हूँ। चाहिए तो बैठ जाइए, प्रॉब्लम क्या है? इधर जो है ना ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, इससे पहले कि गले तक पहुंच जाए इसे बीच में कहीं रोक दो। किचन में। अरे किचन। अरे तू ये कपल लोगों को बेडरूम किचन में ही बना लेनी चाहिए, कम से कम भागने का भाना तो नहीं मिलेगा। थोड़ा भी इंतजार नहीं किया मेरा, मैं क्या सोचकर आई थी, मुझे लगा मैं आऊंगी तो मेरी आहट पहचान लेंगे आप, मुझे देखते ही गले लगा लेंगे, पर वो तो किसी और को देख रहे थे। मेरे पति, मेरा घर, मेरा परिवार, सब शायद इनकी नजर में मैं मर चुकी हूँ, इसलिए इन्होंने दूसरी शादी। काश कि मैं मर ही गई होती, ये सब तो ना देखती। मैं इनके पास आई और ये दूर चले गए, सब खत्म हो गया, सब कुछ। अब ना आप मुझे कोई खुशी दे सकते हैं, ना मेरा दर्द बांट सकते, क्योंकि मेरे इंतजार के साथ आपका प्यार भी खत्म हो गया, और इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपके लिए तो मैं मर चुकी हूँ ना, आपने सही फैसला किया, किसी और से शादी कर ली और आगे बढ़ गए। मैं आपको पीछे से आवाज नहीं दूंगी, आपकी खुशियों के बीच नहीं आऊंगी। आप खुश हैं, आपका परिवार खुश है, सब मुझे भूल चुके हैं, तो मैं भूली बिसरी यादों को याद नहीं दिलाऊंगी। मेरा आपसे दूर चले जाना ही ठीक होगा, आपकी खुशी के लिए आपकी जिंदगी में आई थी, आज
आपकी ही खुशी के लिए आपकी जिंदगी से दूर जा रही। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।